नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होने वाला है और देख सकते हैं दोस्तों कि 11 से लेके 12, 9 से लेके 10, जी हाँ जिलेवार दोस्तों रिक्तियां जारी कर दी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी कक्षा 9 से लेके 10 शिक्षक भर्ती हेतु जिलावार रिक्तियां आ चुकी है और 11 से लेके 12 तक। जी हाँ देखिए, नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद दोस्तों काम कितना तेजी से चल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 9 से लेके 10 तक में 18,880 पदों पर वैकेंसी है, 11 से लेके 12 तक में 18,830। जी हाँ दोस्तों, हर एक जिले की अपडेट यहाँ पर दी गई है कि पटना में कहाँ पर वैकेंसी आ रही देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें, तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए 51,112 पदों पर यहाँ पर एक वैकेंसी आएगी। देखिए, आजकल वैकेंसी में अच्छी बात ये रहती है ना कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे बाहरी राज्य से आएंगे वो यूआर कैटेगरी की सीटों पर फाइट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान को लेकर एक बड़ी अपडेट चल रही। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे अतुल प्रसाद सर ने क्या कोई नया ट्वीट किया है, कोई नई अपडेट दी है, कोई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं 1 लाख नौकरी दो। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान युवाओं के लिए घोषणा करता हूँ कि इस साल 1 लाख नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अशोक गहलोत, हाँ तो साहब कहाँ है वो आपकी 1 लाख पदों की भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, देखिए राजस्थान सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें यूपी में भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सोचिए सुप्रीम कोर्ट में बात आई थी कि 51,112 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन वो वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए सभी बच्चों को सवाल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखते हैं। अगर आप लोग दोस्तों रिजल्ट को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है ये देखिए। पहले बीपीएससी तैयारी क्या शिक्षक भर्ती में धांधली संभव। जी हाँ दोस्तों, 72% छात्रों का कहना यस, 3,500 बच्चों ने तो वोटिंग किया है और 28% बच्चों का मानना है कि नहीं, धांधली नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि 70% से ज्यादा बच्चों को अब लग रहा है कि परीक्षा में धांधली हो सकती है, ठीक है, इसलिए रिजल्ट समय से निकाला जाए। एक और बड़ी खबर देखिए, क्या ओएमआर सीट में सुधार करना सही है। 87% बच्चों का कहना है कि नहीं, एकदम गलत बात है। देखिए पहला विकल्प गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, मतलब समझिए यहाँ पर 14,000 से ज्यादा बच्चों ने वोट किया है। अगर हम कहीं मानें कि 10,000 बच्चों ने वोट किया तो इसका जो 13% निकलेगा वो लगभग 1,300 बच्चे आते हैं। सोचिए कि 13%, मतलब 1 लाख में से 13,000 बच्चों ने ओएमआर सीट भरते समय गलती लग रहा की है, ठीक है, तो ये दोस्तों एक बड़ी संख्या है। लगभग 40,000 बच्चे वैसे निकल आएंगे अगर टोटल वैकेंसी निकाला जाए, 3,80,000, कुछ बच्चों ने पेपर भी छोड़ा होगा, तो लगभग लगभग ये दोस्तों गलती करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही है। इस वजह से हो सकता है कि अतुल प्रसाद सर ओएमआर में कुछ बदलाव करने की बात कहते हैं। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा होगा कि ओएमआर सीट में अगर किसी बच्चे ने फॉर्म मतलब ओएमआर भरते समय गलत रोल नंबर भी डाल दिया तो उसको मैचिंग करा लिया जाएगा, या दोस्तों गलत सीरीज डाल दी, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दिया। देखिए गलत रोल नंबर क्या होता है इसको समझिए। कभी दोस्तों जब आप लोग रोल नंबर भरते होंगे तो पहले लिखा रहता होगा, ठीक है, नीचे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है ना, 0 से, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2, और ऊपर दोस्तों एक कुछ ऐसा लिखा रहता है जहां पर आप रोल नंबर डालते 2 3 1, तो यहाँ पर 2 को आप बबल करेंगे, इसको गोला करेंगे, या 3 को करेंगे, फिर इसको 1 को करेंगे, ऐसे करते हैं ना। कभी कभी दोस्तों मान लेते हैं ऊपर वाला गलत हो गया, ये सही है, या मैक्सिमम टाइम दोस्तों नीचे जो हम लोग इसका रंग करते हैं गोला करते हैं यही वाला मैक्सिमम टाइम गलत करते हैं, ठीक है, ये हम क्या करते हैं गलत करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों इसको मैच करा लिया जाएगा। तो भैया अतुल प्रसाद सर तो बहुत ही मौके दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तब से लेकिन एक बवाल हो गया है कि भैया पेपर में धांधली हो सकती है, ठीक है। वैकेंसी की बात हो रही है, देख सकते हैं दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी, तो वैकेंसी दोस्तों एकदम करीब आ चुकी है और आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। देख सकते हैं जो पद रहेंगे 31,982 6 से लेकर 8 तक में, देखिए यहाँ पर संख्या ज्यादा है 31,982, लेकिन दोस्तों इसमें डीएलएड और बीएड दोनों छात्र आवेदन करेंगे, ठीक है, इससे जो बड़ी भर्ती रहेगी 9 से 10 या 11 से 12, यहाँ पर डीएलएड के बच्चे आपको देखने को बीटीसी वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और दोस्तों देख सकते हैं बिहार सरकार इस समय ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, सैलरी सीधे डबल कर दे रही है, 11 से 22,000, विकास मित्र का 13,700 से 25,000, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इस समय सरकार नीतीश सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है और 1,70,000 पदों के बाद
70,000 पदों पर वैकेंसी एक और आ गई। गजब है भाई, ठीक है, गजब की सरकार है। ठीक है, ऐसी सरकारें बनेंगी तो आगे चलकर दोस्त आप लोग क्या बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, सरकारी टीचर बनेंगे, ठीक है ना। वो सरकार से क्या मतलब आपको, जो गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी ना निकाले, क्या मतलब है बताइए। यूपी में दोस्त 2018 के बाद, उत्तर प्रदेश के हालात आप देखें, 2018 के बाद कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। 2023 साल चल रहा है, वैकेंसी के आसार कम हो रहे क्योंकि यहाँ शिक्षा आयोग बन रहा है, जिस वजह से मामला फंस सकता है। बीपीएससी 200 जारी करेगा पीआरटी का रिजल्ट, जिसमें 200 डीएलएड वालों का परिणाम होगा, बीएड के छात्रों का रिजल्ट रोका जा सकता है। लेकिन जो 275% सीटों की बात हो रही है ना, तो ये दोस्तों ओवरऑल लिया जा रहा है। जैसे मान लेते 80,000 पदों पर हमारी वैकेंसी, तकरीबन 75% के मतलब 60,000 पद होते हैं। अगर इसमें बीएड के छात्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा तो ज्यादा सीटें होल्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। उम्मीद वैसी नहीं है, लेकिन आपको एक बात और बता दें, मेल वर्सेस फीमेल कट आपको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सिंपल सी बात दोस्तों समझ लीजिए, जब 24 तारीख को आप लोग पेपर देने गए थे बिहार, कब गए थे, 24 अगस्त को गए थे ना, तो यहाँ पर हमारा शिफ्ट 1 का पेपर था जिसमें मेल पुरुष था, सिर्फ लड़के लड़के। शिफ्ट 2 का पेपर था जहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट थी। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि मेल कैंडिडेट की सीटों पर फीमेल कैंडिडेट नौकरी ले सकती हैं, कि अगर मान लेते हैं कि 51 नंबर मेरिट जाते और कोई भी लड़की के नंबर 52 है, सिंपल सी बात है वो मेल कैटेगरी में भी क्वालिफाइड होती है। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का पेपर अलग था, या तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपना है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट है, इसलिए हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप लोग को एक बात क्लियर हो कि जितने भी पदों पर वैकेंसी बड़ी आ जाती है तो उतने बच्चे डीएलएड के पास ही नहीं हो पाते, ठीक है ना। वजह दोस्तों कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो कि क्या वजह से बच्चे पास नहीं हो पाते या कोई भी दिक्कत हो, लेकिन रिजल्ट आपके सामने रहता है। तो ये दोस्त एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ रही, तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, अब लापरवाही मत करिएगा, अक्टूबर में दोस्तों आवेदन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, नवंबर में ही पेपर होना है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, उम्मीद है कि पहले नियुक्ति पत्र बटेगा, उसके बाद नौकरी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगले महीने सभी बच्चे एक साथ तैयार हैं, ठीक है। और एक और गुड न्यूज दे दें हम आपको, फिर से एक बार क्लियर कर दें कि लास्ट वैकेंसी दोस्तों जो है उसमें से 1,70,000 बच्चे चयनित हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। 1,70,000, ये संख्या बहुत बड़ी होती है। उसके बाद 70,000 और पदों की वैकेंसी रहेगी, तो जो सेकंड राउंड की, ठीक है, नौकरी रहेगी ना, बहुत ही आसान रहेगी, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट राउंड वाले बच्चे ऐसा ना करें कि सेकंड में भी ट्राई कर लें, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही बच्चे का दो दो जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, जिन बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हो जाए ना, अगर वो दो बच्चे दोबारा फॉर्म भरते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो किसी एक ही सीट खराब कर सकते हैं। अब देखिए इस वैकेंसी में क्या हो सकता है, मान लेते कि कोई बीएड का कैंडिडेट था जिसने डीएलएड में अपना रिजल्ट बदल दिया, बोले उसने डीएलएड ना किया हो, बीएड में अच्छे नंबर आ रहे हो, ठीक है, 70-80 नंबर आ रहे हैं, तो उससे होगा क्या, एक सीट ये खराब करेंगे, बाद में आके चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बच्चे हटेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इसीलिए 1,00,000 पदों पर मतलब पहली, ठीक है, जो लिस्ट जारी होगी उनके लिए डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि अगर किसी बच्चे का फ्रॉड पाया जाता है, कोई दिक्कत होती है, उसको तुरंत बाहर किया जाए और उसके जगह वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को तुरंत रखा जाए। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अपने जिले में देख लीजिएगा कि कहाँ से आपको आवेदन करना है, क्या क्या प्रोसेस है दोस्तों। तो आपका एक और सवाल यहाँ पर था कि बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट पासिंग मार्क क्या रहने वाली है। देखिए आपको बता दें, 150 में से जो बच्चे 90 नंबर ला रहे हैं अदर स्टेट के, सभी बच्चों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए, वो सभी बच्चे पास माने जाएंगे, मतलब सीटेट उनका क्लियर है। 82 नंबर आता है, अगर आप आरक्षित वर्ग में पास होते हैं अदर स्टेट वाले बच्चे, तो वो मान्य नहीं होगा, आपको मिनिमम 90 नंबर। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, कोई बच्चा बिहार का है तो बिहार के बच्चों के लिए वही नॉर्मल प्रोसेस, 90 नंबर जनरल में, बाकी आरक्षित वर्ग में 82, महिलाओं के लिए 75 किया गया, लेकिन वो भी SC ST में, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।